इस वीडियो में हम देखेंगे बी प्लस ट्री में डिलीशन किस तरह से करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बी प्लस ट्री का इंसर्शन देखा था। सो वेलकम गाइस, दिस इज वेल एकेडमी एंड यू आर वाचिंग अब्दुल। सो आज की वीडियो में हम एक एग्जांपल के साथ देखेंगे कि डिलीशन किस तरह से किया जाता है। सो यहाँ पे डिलीशन में, अगर डिलीशन हम किसको बोलते हैं, हमारे पास अगर बी प्लस ट्री है तो हम उसको, उसमें से कुछ नोड्स या कुछ वैल्यूज को निकालते हैं, उसको हम डिलीशन बोलते हैं। लेकिन हर बी प्लस ट्री की कुछ लिमिट होगी, यानी कि कम से कम इतने तो बी प्लस ट्री में होने ही चाहिए, तो उस चीज को हम बोलते हैं अंडरफ्लो, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इतने होने चाहिए। अगर इससे कम हुए तो ऐसी कंडीशन को हम अंडरफ्लो कंडीशन बोलेंगे। ओवरफ्लो में ज्यादा, मतलब भर गया तो उससे ज्यादा नहीं भर पाएंगे, अंडरफ्लो में कम से कम। सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है और यहाँ पे ऑर्डर 3 का एग्जाम्पल है। दैट मीन्स पी की वैल्यू 3 दी हुई है, तो p की वैल्यू 3 है, तो यहां से मैं मिनिमम फाइंड करूंगा, तो 3/2 - 1, तो मुझे मिलता है आंसर 1। ओके, सो यहां पे अब 1 मिनिमम होना चाहिए हर नोड पे। सो यहां पे 1 है और रूट में यहां पे जो भी हो चलेगा, लेकिन यहां पे नॉन लीफ नोड और लीफ नोड उसका खास ध्यान रखना है। यहां पे 1 मिनिमम 1 होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ओके, वो ओवरफ्लो वाली कंडीशन है। सो वो हमने इंसर्शन में डिस्कस कर ली थी। यहां पे अब सपोज ये बी प्लस ट्री में मुझे कहा गया है डिलीट 45, मुझे 45 को डिलीट करना है। तो 45 को डिलीट करने के लिए यहां पे सबसे पहले देखना है कि 45 कहां कहां आ रहा है। सो यहां पे आ रहा है एंड रूट में है। सो हम स्टार्ट करेंगे लीफ नोड से डिलीट करना, मतलब मैं यहां पे 45 को यहां पे पहले डिलीट करूंगा। सो जैसे ही मैं यहां पे डिलीट करता हूं, ओके लेट मी परफॉर्म हियर, यहाँ पे मैंने डिलीशन परफॉर्म किया, तो जैसा कि आप देख सकते हो ये नोड खाली हो गया, अब यहाँ पे एक भी नहीं है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम एक तो होना ही चाहिए। सो डिलीशन का फर्स्ट स्टेप, अगर अंडरफ्लो है यहाँ पे, तो पहली चीज ये चेक करनी है कि सिबलिंग में देखना है कि उसके पास एक्स्ट्रा है या नहीं। सो सिबलिंग में यहाँ पे 2 नोड है और मिनिमम 1 की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे दे सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं 49 को यहाँ पे ले लूं तो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पे अंडरफ्लो कहीं पे भी नहीं है। बट एक इश्यू आ सकता है, ये चीज अगर बी ट्री होता तो कोई इश्यू नहीं था, लेकिन बी प्लस ट्री में क्या है कि ये जो इनका पेरेंट नोड है उसकी वैल्यू जो है उसके राइट हैंड साइड पे उसके जितनी है उससे ज्यादा होनी चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड पे उससे कम होनी चाहिए, उसकी जितनी भी नहीं होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सेम हो रही है वैल्यू, तो जब वैल्यू सेम होती है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वैल्यू को निकाल देना है, क्योंकि हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया। तो यहाँ पे अब क्या रखेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये साइड 50 है, ये साइड की सबसे कम वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे रख देंगे। सो 50 को मैं ले जाके यहाँ पे रख देता हूँ। सो अब अगर देखोगे तो बी प्लस ट्री की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और हमारा 45 यहाँ से डिलीट हो चुका है ना। 45 और कहाँ पे, रूट नोड में। सो रूट नोड में अगर 45 है सो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब हमें लेफ्ट हैंड साइड को नहीं देखना है, राइट हैंड साइड में देखना है कि सबसे कम वैल्यू राइट हैंड साइड पे कौन सी है, यानी कि 45 के राइट हैंड साइड में सबसे कम वैल्यू कौन सी, 49। तो जो भी कम से कम वैल्यू वो यहाँ पे रख देनी है। सो यहाँ पे हमारा जो ट्री है वो किस तरह से बनेगा, लेट मैं यहीं पे बना देता हूँ, देन हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सो 49, सो 50 हमने डिलीट कर, 45 हमने डिलीट कर दिया ना। अब मुझे 49 को डिलीट करना है, तो ये थोड़ा ट्विस्ट होगा और आपको पूरा डिलीशन ऑपरेशन समझ में आ जाएगा। सो मुझे इसमें से 49 डिलीट करना है, सेम प्रोसेस लास्ट से स्टार्ट करेंगे। सो मैं यहाँ पे रूट नोड, लीफ नोड है उसमें से 49 निकाल देता हूँ। सो जैसे ही मैं निकालूंगा यहाँ पे, तो क्या होगा, ये ब्लैंक हो गया, अंडरफ्लो हो गया। फर्स्ट स्टेप सिबलिंग्स में चेक करो, सिबलिंग्स में यहाँ पे जैसे देखते हैं तो यहाँ पे मिनिमम 1 नोड की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे एक ही है, ये यहाँ पे दे नहीं सकता है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि सिबलिंग नहीं दे सकता है, तो हम क्या करेंगे, पेरेंट नोड के साथ मर्ज कर लेंगे। क्या करेंगे, पेरेंट नोड के साथ मर्ज कर लेंगे। तो यहां पे सिनेरियो कुछ इस तरह का हो जाएगा, 20 10 20, ये नोड ब्लैंक हो जाएगा क्योंकि यहां पे हम मर्ज कर रहे हैं। तो यहां पे कुछ इस तरह का सिनेरियो हो सकता है, 50, क्योंकि हमने मर्ज कर दिया है। नाउ ये नोड ब्लैंक हो गया, अंडरफ्लो यहां पे भी आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, इसके सिबलिंग में चेक करेंगे, तो इसके सिबलिंग में भी इसके पास एक्स्ट्रा नोड है नहीं, मिनिमम है। सेम चीज यहाँ पे भी मर्ज हम परफॉर्म करेंगे, तो इसका जो हमारा नया ट्री बनेगा वो किस तरह से होगा, वो कुछ इस तरह से होगा, इसकी हाइट कम हो जाएगी। अब तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 20 49
20 के राइट हैंड साइड पे है 10, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे है 20 एंड 49 के राइट हैंड साइड पे है 50. ओके, सो ये कुछ इस तरह का हमारा बी प्लस ट्री बनेगा. अब हमें 49 डिलीट करना है, तो सेम प्रोसेस 49 को यहाँ से डिलीट करेंगे. जैसे ही हम डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पे कौन सा नोड आएगा, सबसे कम राइट हैंड साइड वाला, तो 50 आ जाएगा. सो ट्री की हाइट जो है वो कम हो गई. यहाँ पे डिलीशन ही कुछ इस तरह से था. दो ही तरह की कंडीशन आती है डिलीशन में. सो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया है. नाउ ये एग्जाम्पल गेट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक ही गेट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि ये टॉपिक को अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया गया है काफी रेफरेंस बुक में, सबके अलग अलग मेथड्स है. सो ये बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गेट के हिसाब से. सो इसके रिलेटेड एग्जाम्पल नहीं था, बट मैंने इंसर्शन की वीडियो रखी थी तो मैंने डिलीशन एक्सप्लेन कर दिया. यहाँ पे मैंने एल्गोरिथम और ये सब डिस्कस नहीं किया, डायरेक्ट एग्जाम्पल से बता दिया. सो इनकेस यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी काम आ सकता है आपको, कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो. एंड गेट में भी बाई चांस अगर एक क्वेश्चन आ जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है. सो आई होप ये आपको समझ में आ गया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वेल अकेडमी. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसको शेयर कीजिए वीडियोज को, ताकि ज्यादा से ज्यादा गेट एस्पिरेंट को वीडियोज मिले. सो थैंक यू सो मच.